क्या फोन आपकी जान ले सकता है? यहाँ हम फोन की बैटरी फटने की बात नहीं कर रहे, बल्कि इसके अंदर मौजूद एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, वो भी ऐसी जिसके फॉलोवर्स मिलियंस में हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया साइट्स की, जिसे सामान्य भाषा में जेनरेशन नेक्स्ट में SNS कहा जाता है, जैसे YouTube है, Instagram है, Facebook है, जिसके रील्स को आप भी बहुत चाव से देखते होंगे। लेकिन इनके क्रिएटर्स कई बार इतना रिस्क ले लेते हैं जो ना सिर्फ उनकी जान के लिए, बल्कि सड़क पे चलने वाले बाकी राहगीरों के लिए भी जान का खतरा साबित हो सकता है। ये दूर की बात नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की ही बात है। देश की राजधानी दिल्ली में 20 से 25 साल के ऐसे कई युवा हैं जो बाइक पे, गाड़ियों पे स्टंट दिखाते हैं, जो गुड़गांव से लेकर नोएडा तक, सोनीपत से लेकर के फरीदाबाद तक घूमते हैं, जो दिल्ली की सड़कों पर फुटपाथ के ऊपर से हैरतअंगेज कारनामे करते हैं कि मान लीजिए आप बाइक ही चढ़ा देंगे। और बहुत बार तो ऐसी हरकतें गाड़ी में भी की जाती है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस इससे अनजान है, दिल्ली और NCR में ऐसा पूरा नेटवर्क है CCTV का, जिनमें इनकी हरकतें कैद हो जाती है, नंबर प्लेट से पहचान हो जाती है। 12,000 से लेकर 30,000-40,000 तक का चलान भी किया जाता है, लेकिन ये लालच बुरी बला है, लालच है फॉलोवर्स का। ऐसे लोग हैं जिनके फॉलोवर्स 1,00,000 से लेकर 10,00,000, 20,00,000, 30,00,000, 40,00,000 तक है। फॉलोवर्स के बेसिस पे उन्हें हिट्स मिलते हैं, हिट्स के बेसिस पर एल्गोरिदम से उन्हें पैसा मिलता है, डॉलर्स में उनके पास पैसा आता है। ये हिट्स की चाहत ही है कि 20-25 साल के युवा सिर्फ अपनी सोशल मीडिया की लाइफ को अपनी रियल लाइफ यानी ज़िंदगी से ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और उसकी वजह से दिल्ली में NCR में होते हैं कई एक्सीडेंट्स। अगर सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स की बात करें तो हिट्स के बेसिस पर YouTube पैसे पे करता है, फॉलोवर्स जितना ज़्यादा होंगे Instagram में आपके उतने स्पॉन्सरशिप हो सकते हैं, और कुछ ऐसी ही पब्लिसिटी सोशल मीडिया में Facebook और X के ज़रिए यानी पुराने Twitter के ज़रिए भी बढ़ाई जाती है। युवा इसमें इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें नहीं पता चलता कि रियल लाइफ क्या है और वर्चुअल लाइफ क्या है। वर्चुअल लाइफ में लाखों लोग जानकार हैं जो उनके कंटेंट क्रिएटेड यानी रील्स को देखकर के वाहवाही करते हैं, और रील्स को बनाने के लिए वो जान का जोखिम ले लेते हैं। लेकिन जो एक फ़र्क होता है आतंकी में और देश के लिए जान देने वाले सिपाही में, वही फ़र्क होता है एक प्रोफेशनल हैरतअंगेज कारनामे करने वाले में और इन प्रोफेशनल यानी सिर्फ रील्स के लिए अपनी ज़िंदगी को हथेली पे रख के चलने वाले में। अगर इनके यही काम बॉलीवुड या हॉलीवुड के लिए होते, माइकल शूमाकर की तरह Formula 1 रेस में जाते, तो शायद उनका नाम होता, उनके साथ साथ हिंदुस्तान का भी नाम होता। लेकिन जब ये हरकतें की जाती है बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के, वो भी राजधानी दिल्ली NCR की सड़कों पे, तो जानलेवा साबित होती है, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि बाकी राहगीरों के लिए भी, जिन्हें लगता है कि फुटपाथ तो पैदल चलने वालों के लिए है, गाड़ियों में तो लेन ड्राइव की जानी चाहिए, लेकिन इन सभी कानूनों की धज्जियाँ ये सिर्फ अपनी सोशल मीडिया हाइप बनाने के लिए कर लेते हैं। इन युवाओं को, जेनरेशन नेक्स्ट को सोचना होगा कि सड़कों पर बाइक और गाड़ियां चलने के लिए हैं, वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ अपनी सोशल मीडिया की चकाचौंध के लिए, अपनी ही नहीं दूसरों की ज़िंदगी से भी खिलवाड़ करेंगे, तो CCTV में तीसरी आँख उन्हें देख रही है। दिल्ली पुलिस से लेकर के गुरुग्राम और नोएडा तमाम एजेंसियाँ उनके ऊपर शिकंजा कस रही है, और सोशल मीडिया की चकाचौंध भले ही कितनी भी उजली हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं हो सकती। नमस्कार, राहुल डबास को दीजिए इजाज़त, और बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।